वैसे जिस तेजी से साइबर क्राइम्स आजकल बढ़ते जा रहे हैं, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट एजेंसी को एथिकल हैकर्स की जरूरत पड़ने लगी है। और अब बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस को ये भी समझ में आ गया है कि अपने सिस्टम और अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें एथिकल हैकर की जरूरत होगी ही। और वैसे भी साइबर अटैक्स का कोई एक फिक्स पैटर्न और टाइप नहीं होता है जिसे आसानी से पहचाना जा सके, बल्कि इसके तो कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे मालवेयर, फिशिंग, SQL इंजेक्शन अटैक्स, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और बोटनेट्स। तो ऐसे में सिचुएशन काफी टफ हो जाती है। और ये तो आपको भी पता ही होगा कि कोई भी सिस्टम, प्रोसेस, वेबसाइट और डिवाइसेस हैक की जा सकती है। इसीलिए अब एथिकल हैकर्स की डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर आप भी इस तरह के स्किल्स में इंटरेस्ट रखते हैं और एथिकल हैकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो एथिकल हैकर की पोजीशन आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और उस पोजीशन तक पहुंचने का रास्ता और प्रोसेस तो हम आपको इस वीडियो में बता ही देंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले एथिकल हैकिंग के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। एथिकल हैकिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की एक प्रोएक्टिव फॉर्म है। इसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी कहा जाता है। बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस अपने नेटवर्क्स, एप्लीकेशंस और अदर कंप्यूटर सिस्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए एथिकल हैकर्स को हायर करते हैं, ताकि उनका डेटा चोरी ना हो सके और ना ही उनके साथ कोई फ्रॉड हो। एथिकल हैकिंग साइबर टेररिज्म से फाइट करती है और हैकर्स के अगेंस्ट प्रिवेंटिव एक्शन लेने में हेल्प करती है। एथिकल हैकिंग का मतलब होता है कंप्यूटर या सिस्टम को परमिशन लेकर हैक करना। ऐसा करके कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद वल्नरेबिलिटीज का पता लगाया जाता है। और इसके लिए सॉफ्टवेयर कंपनीज ऐसे एक्सपर्ट एथिकल हैकर्स को हायर करते हैं जो उनके सिस्टम या सर्वर्स को हैक करते हैं और उसमें मौजूद वल्नरेबिलिटीज और वीक एंड पॉइंट्स का पता लगाते हैं, ताकि उन्हें फिक्स किया जा सके। ऐसा करने के पीछे सॉफ्टवेयर कंपनीज का पर्पस अपने सिस्टम और इन्फॉर्मेशन को अनएथिकल हैकर्स से प्रोटेक्ट करना होता है और अपने सिस्टम को इतना स्ट्रांग बना लेना होता है ताकि ब्लैक हैट हैकर सिस्टम को हैक ही ना कर पाए। सबसे पहले हैकिंग वर्ड 1960 यानी कि 1960 के दौर में सामने आया था, जब मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मशीनरी को ज्यादा बेटर तरीके से ऑपरेट करने के लिए हैक किया गया। और उस जमाने में हैकिंग को उन लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट समझा गया जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक्सेप्शनल स्किल्स रखते थे। लेकिन टाइम के साथ इस टेक्निक का यूज अनएथिकल वर्क्स में बढ़ने लग गया, जिसकी वजह से ये वर्ड ही नेगेटिव साउंड करने लग गया है। और वैसे भी एथिकल हैकिंग टर्म फेमस तब होने लगी जब 1970s यानी कि 1970 में US गवर्नमेंट ने अपने कंप्यूटर सिस्टम्स को हैक करवाने के लिए रेड टीम्स का यूज किया। तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। और एथिकल हैकिंग के कई सारे टाइप्स होते हैं, जो है वेब एप्लीकेशन हैकिंग, सिस्टम हैकिंग, वेब सर्वर हैकिंग, हैकिंग वायरलेस नेटवर्क्स और सोशल इंजीनियरिंग। और एथिकल हैकिंग एक प्रोसेस में पूरी होती है जिसमें ये सारे 6 स्टेप्स आते हैं, जिसमें पहला है रिकॉग्निशंस, दूसरा है स्कैनिंग, तीसरा है गेनिंग एक्सेस, चौथा है मेंटेनिंग एक्सेस, नंबर 5 पर है क्लियरिंग ट्रैक्स और नंबर 6 पर है रिपोर्टिंग। तो एथिकल हैकिंग के दौरान भी कुछ बातों का ध्यान रखा जाना जरूरी होता है, जैसे हैकिंग से पहले प्रॉपर अप्रूवल लिया जाए, एथिकल हैकिंग के दौरान ऑर्गेनाइजेशन को सभी वल्नरेबिलिटीज की रिपोर्ट दी जाए और उसमें उन कमियों को दूर करने की एडवाइस भी शामिल हो। इसके साथ साथ डेटा सेंसिटिविटी की रिस्पेक्ट करना भी एथिकल हैकिंग में बेहद जरूरी होता है। एथिकल हैकिंग के बारे में इतना कुछ जान लेने के बाद आइए अब आगे बढ़ते हैं और हैकर्स के बारे में जानते हैं। हैकर्स के मेजर 3 टाइप्स होते हैं, ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर और व्हाइट हैट हैकर। आइए इनके बारे में हम 1 by 1 डिटेल में जानते हैं। नंबर 1 पर है ब्लैक हैट हैकर। ये ऐसा पर्सन है जो गलत इरादे से किसी सिस्टम या नेटवर्क में बिना परमिशन अनऑथराइज्ड तरीके से एंट्री ले लेता है और सिस्टम सिक्योरिटी को डैमेज करता है। और ऐसा करने के पीछे उसका पर्पस अक्सर पासवर्ड्स, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और अदर पर्सनल डेटा चुराना होता है। दूसरे नंबर पर है ग्रे हैट हैकर। ग्रे हैट हैकर्स भी ब्लैक हैट्स की तरह ही सिस्टम को हैक करते हैं, लेकिन उनका कोई गलत इरादा नहीं होता। वो सिस्टम को हैक करके सारे लूप होल्स और वल्नरेबिलिटीज के बारे में इंटेलिजेंस एजेंसीज और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बताते हैं। उनका काम अक्सर कंप्यूटर सिस्टम्स को हैक करके उसमें मौजूद कमियों का पता लगाना और उसके बारे में एडमिनिस्ट्रेटर को इन्फॉर्म करना होता है, ताकि उन्हें तुरंत दूर किया जा सके और इन कमियों का फायदा उठाकर ब्लैक हैट हैकर सिस्टम में सेंध ना लगा सके। एक नॉमिनल फी लेकर ग्रे हैट हैकर्स डिफेक्ट को भी ठीक कर सकते हैं। और अब बात करते हैं नंबर 3 पर व्हाइट हैट हैकर्स की। ये ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वर्क करके उनके सिस्टम की सिक्योरिटी को स्ट्रांग बनाए रखते हैं। इन्हीं हैकर्स को एथिकल हैकर्स कहा जाता है। तो आइए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं।
एथिकल हैकिंग को अंजाम देने वाले पर्सन को एथिकल हैकर कहते हैं, जो परमिशन लेकर सिस्टम को हैक करता है और उसका कोई गलत इरादा भी नहीं होता है। एथिकल हैकर्स ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेसेस, मिलिट्री और गवर्नमेंट के साथ वर्क करते हैं और उनके नेटवर्क्स की सिक्योरिटी में मौजूद वीक पॉइंट्स और वल्नरेबिलिटीज का पता लगाते हैं। ये एथिकल हैकिंग टूल्स, टेक्निक्स और मेथडोलॉजीज में स्पेशलाइज्ड होते हैं ताकि किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन सिस्टम को सिक्योर रखा जा सके। इनकी मदद से ऐसा सिस्टम तैयार किया जाता है जिसमें हैकर सेंध नहीं लगा सकते। इनकी हेल्प लेकर कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क में मौजूद ओपन होल्स का पता लगाया जाता है और उन्हें क्लोज किया जाता है। इनका काम कंपनी के सिक्योरिटी सिस्टम में मौजूद हर वल्नरेबिलिटी को डिस्क्लोज करना होता है ताकि उसे तुरंत फिक्स किया जा सके और ब्लैक हैट हैकर्स उन पर अटैक ना कर सके। जैसे कि फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी कंपनीज के पास अपने व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं। वैसे एक एथिकल हैकर के पास इन सारे सवालों के जवाब होते हैं, जैसे कि एक अटैकर सिस्टम की कौन सी वल्नरेबिलिटीज यानी कमजोरियों को देखता है, हैकर किस तरह की इन्फॉर्मेशन तक सबसे जल्दी पहुंचना चाहते हैं, एक हैकर उस इन्फॉर्मेशन के साथ क्या करता है और कमजोरी यानी कि वीक पॉइंट्स को फिक्स करने का बेस्ट तरीका क्या है। एथिकल हैकर अक्सर जिन मोस्ट कॉमन वल्नरेबिलिटीज को डिस्कवर करते हैं वो है इंजेक्शन अटैक्स, सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी मिसकॉन्फिगरेशन, यूज ऑफ कंपोनेंट्स विद नोन वल्नरेबिलिटीज। तो एथिकल हैकर के बारे में ये सब जान लेने के बाद अब अगर आप एथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसके लिए आपको प्रॉपर एजुकेशन और नॉलेज की जरूरत होगी। इसलिए बिना सही गाइडेंस और अप्रूवल के बस ट्राई करने के लिए हैकिंग को बिल्कुल ना आजमाएं, क्योंकि बिना परमिशन के किसी सिस्टम को हैक करना इलीगल होता है और अनएथिकल हैकिंग और ऐसे ही साइबर क्राइम के लिए गिल्टी पाए जाने वाले पर्सन को कई सालों की सजा का प्रोविजन भी होता है। इसलिए एथिकल हैकर बनने के प्रोसेस को पूरा फॉलो करें और फिर एथिकल हैकर के तौर पर आप काम करें। और एथिकल हैकर बनने के प्रोसेस में सबसे पहले क्राइटेरिया जान लेना बेहतर होगा। इसके लिए आपके पास इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री होनी जरूरी है, जो बीएससी, बीटेक, बीई, बीसीएमए से कोई भी डिग्री हो सकती है। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने नेटवर्क सिक्योरिटी और उससे रिलेवेंट टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड डिप्लोमा कर रखा हो वो भी एथिकल हैकिंग को प्रोफेशनल करियर बना सकते हैं। और अगर आप आईटी सेक्टर की बिग कंपनीज में एथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेशन होना चाहिए ताकि वहां तक पहुंचने के आपके चांसेस बढ़ सके। और ऐसे कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस है, सर्टिफाइड एथिकल हैकर बाय ईसी काउंसिल, सर्टिफाइड हैकिंग फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेटर बाय ईसी काउंसिल, GIAC सर्टिफाइड पेनिट्रेशन टेस्टर यानी कि GPEN बाय SANNGIAC, सिस्को CCNA सिक्योरिटी और सर्टिफाइड इंट्रूजन एनालिस्ट यानी कि GCIA। तो इन सर्टिफिकेशंस के अलावा आपके पास टेक्निकल स्किल्स का होना भी जरूरी है, जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी फील्ड में एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस, बहुत तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स की वर्किंग नॉलेज, माइक्रोसॉफ्ट एंड लिनक्स सर्वर्स, सिस्को नेटवर्क स्विचेस, वर्चुअलाइजेशन, सिट्रिक्स और माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज की वर्किंग नॉलेज और लेटेस्ट पेनिट्रेशन सॉफ्टवेयर की वर्किंग नॉलेज। तो इस तरीके से स्किल्स के बारे में आपने जान ही लिया है, तो इंडिया के ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट्स के नाम भी आपको जान लेने चाहिए जहां से आप एथिकल हैकिंग में कोर्स कर सकते हैं। और आपको बता दें कि इंडिया के बहुत से कॉलेजेस अब एथिकल हैकिंग कोर्स ऑफर करते हैं, लेकिन उनमें से बेस्ट कॉलेज आपको चूज करना होगा, जैसे DOECC और NIELIT कैलिकट, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो ये तो हुई कॉलेजेस की बात और एथिकल हैकर के करियर में कितना स्कोप है और एक एथिकल हैकर कहां कहां काम कर सकता है, आइए ये भी जान लेते हैं। इंडिया में एथिकल हैकिंग का स्कोप अब काफी बढ़ गया है और जिस तरीके से कंप्यूटर हैकिंग में बढ़ोतरी हुई है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फेमस कंपनीज स्किल्ड एथिकल हैकर्स को रिक्रूट करने लगी है ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन सेफ और सिक्योर्ड रह सके। और अब तो इंडिया में एथिकल हैकिंग जॉब्स की कोई शॉर्टेज भी नहीं है और टेक्निकल हैकर्स डेल, गूगल, विप्रो, रिलायंस, इंफोसिस, IBM जैसी टॉप कंपनीज में हाई सैलरी पैकेज पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सी फर्म्स एथिकल हैकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है और अगर आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है तो आप इनमें से किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेटा सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी ऑडिटर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट और पेनिट्रेशन टेस्टर। वैसे जहां तक सैलरी की बात है तो एक फ्रेशर एथिकल हैकर के तौर पर आप 5 लाख पर एनम सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस और वर्क एक्सपीरियंस आपको 30 लाख पर ईयर भी दिला सकता है। यानी आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट बने उसके बाद सैलरी पैकेज अपने आप इंक्रीज होता चला जाएगा। तो दोस्तों, एथिकल हैकर की जॉब काफी चैलेंजिंग होती है, लेकिन आपका इंटरेस्ट और इस जॉब की हाई डिमांड
आपको ऐसे चैलेंजेस लेने के लिए एनकरेज कर ही देगी। और फिर ये तो आप भी जानते ही हैं कि साइबर क्रिमिनल्स अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, ऐसे में एथिकल हैकर का उनसे एक कदम आगे रहना जरूरी होता है, तभी तो वो ऐसे ब्लैक हैट हैकर्स के माइंडसेट को समझ सकते हैं और सिस्टम्स को उनकी हैकिंग से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट को हायर करना पसंद करती है। और एक एक्सपर्ट एथिकल हैकर बनने के लिए आपको बेस्ट कोर्स, बेस्ट सर्टिफिकेशन और बेस्ट प्रैक्टिस की जरूरत होगी, तभी आप बेस्ट प्लेस पर अपॉइंट हो सकेंगे। इसलिए सोच समझकर कोर्स चूज करें और अपनी स्किल्स को शार्प करें। तो ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। अगला सवाल आपका क्या है वो भी लिख भेजिए। और इसी के साथ अपना सपोर्ट हमें हमेशा की तरह यूं ही देते रहिए। वैसे आगे भी ऐसी काम की जानकारियां आपको मिलती रहे लगातार, हर बार बार बार, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रूबी आपसे मिलेगी अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए कहूंगी धन्यवाद।